अम्बाला के रहने वाले आशीष ने सोनीपत में हुई नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अम्बाला कैंट के चंद्रपुरी के रहने वाले 16 वर्षीय आशीष ने 52-54 वेट कैटेगरी में ये मेडल जीता है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के जोरदार प्रदर्शन के आधार पर अब उनका चयन 17 अगस्त से दुबई में होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हो गया है, जिसमें आशीष का चयन भी वे दुबई जाएगा। आशीष का अम्बाला के स्टेडियम में खेल अधिकारियों ने स्वागत किया, जिसके बाद आशीष हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से उनके निवास पर मिला, जहां पर विज ने आशीर्वाद के साथ साथ 21,000 रुपए भी देने का ऐलान किया। बता दें, आशीष ने इससे पहले वर्ष 2019 में सब जूनियर लेवल बॉक्सिंग में भी गोल्ड मेडल जीता था। आज खेल विभाग की डिप्टी डायरेक्टर कविता देवी, DSO एन सत्यन, कोच संतोष, बॉक्सिंग कोच संजय व अन्य खिलाड़ियों ने आशीष का स्टेडियम में स्वागत किया। उसके बाद आशीष हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी मिले। मंत्री जी ने उन्हें 21,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। आशीष ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए उसकी पूरी तैयारी है और इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर वे देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि एशियन प्रतियोगिता के लिए मेरी प्रैक्टिस चल रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे वहां से भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। वहीं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने कहा कि मेरी तरफ से खिलाड़ियों को पूरी बहुत बधाई है और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से वे गोल्ड मेडल लेकर आया है, आगे भी वे इसी तरह से अम्बाला का नाम रोशन करता रहे। और मैं अगली बार नेशनल में गोल्ड लेके आया हूँ और एशियन चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जो अभी दुबई में होने वाली है। और सारे यही उम्मीद करते हैं कि गोल्ड लाएंगे और बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है और सारे कोचिज बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी कहाँ पे गोल्ड मेडल लिया और कौन से खिलाड़ी को हराया? गोल्ड मेडल मैंने लिया सोनीपत नेशनल हुई थी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर मेरी फाइनल हुई थी हिमाचल प्रदेश से, तो उससे जीत कर मेरा गोल्ड मेडल आया। अब दुबई जा रहे हैं आप, कब है वहाँ पे और कितनी टीम, देश की टीम भाग रही है? अब मैं दुबई जा रहा हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे देश आते हैं, मतलब एशिया एशियन चैंपियनशिप में जितने भी एशिया में कंट्रीज आती हैं वो सारी कंट्रीज आएंगी, उनमें से फिर सेलेक्ट होता है। किस लिए उम्मीद करते हो आप, अपनी मेहनत को मानते हो, किसको मानते हो? सारे कोच सपोर्ट करते हैं और सबकी दुआ है और हम मेहनत लगाते हैं जोर से, दिल रख के ट्रेनिंग करते हैं। अब टेंथ क्लियर हो चुकी है। मैं उधर आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पढ़ता हूँ, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे में पढ़ता हूँ। बहुत सारी बधाई खिलाड़ी को कि ने ये नेशनल लेवल पे गोल्ड लेके आया, अभी ये आगे खेलने जाएगा, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं इसको और हमारी तरफ से जितना हो सकेगा उसको हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट। क्या लगता है आपको गोल्ड मेडल की उम्मीद करते हैं बच्चे? हाँ सर, मैं इससे उम्मीद करती हूँ जो कोच साहब प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको देखते हुए कि गोल्ड मेडल ही लेके आएंगे। खबर नामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।